हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 19 अगस्त। मैं कल पहुंच गया था यहाँ रात में, लेकिन कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सही से शूट नहीं कर पाया। तो मुहर्रम बेसिकली मेन कल है, और आज हम सभी भाई लोग रोज़ा हैं। अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लिया हूँ। तो आज हम लोग आपको बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखाने वाले थे, लेकिन क्या है, आज सब लोग घर में रोज़ा हैं। मतलब घर में मम्मी लोग बोले कि लास्ट के 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, रोज़ा रखना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। तो आज हम लोग सब भाई लोग रोज़ा रखेंगे, मतलब घर में सभी फैमिली मेम्बर्स रोज़ा रखेंगे आज। तो आज मैं आपको अपने होम टाउन का टूर कराने वाला था कि यहाँ पर ये है ऐसा। तो आज उतना कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि आज वैसे भी हम लोग रोज़ा रहने वाले, तो जितना बनेगा उतना आप लोगों को दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग के घर का छत है, आधा क्या बोलना चाहिए, पक्के का, मतलब कंक्रीट वाला है। और यहाँ पे हमारी पुरानी याद खपड़ा वाला घर है। तो जैसे कि आप लोग ये पहाड़ देख रहे पा रहे होंगे, आज हम लोग इस पे भी जाने वाले थे, लेकिन आज हम लोग रोज़ा रखेंगे तो धूप भी और एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा, तो शायद ही मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। बाकी जितना बनेगा मैं आप लोगों को टूर कराऊंगा, और दिन में जो भी करूंगा वो दिखाऊंगा। और आज भी एग्ज़ाम है मेरे कॉलेज का, कल भी था। बाकी अब जो करता हूँ, अभी तो सब लोग सोए हुए हैं, मैं ही बस उठा हूँ नमाज वमाज पढ़ने के लिए। तो अब आके जो भी करता हूँ फिर मैं आपसे। तो दोस्तों सुबह हो गई है मस्त, अभी 6:20 कुछ हो रहे हैं। तो मैं और भाई लोग भी घूमने जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये पीछे, ये मेरा घर, आप लोग को सामने कैमरे से भी दिखा देते। तो ये अपना घर है, रात में जैसे आप लोग क्लियर दिख नहीं रहा था, यहाँ पे पार्किंग है और आंगन है छोटा सा, और घर के बीच में भी एक आंगन है, वो भी बाद में आपको दिखा दूंगा। और ये हम लोग की कार खड़ी हुई है अभी, और वहाँ सामने नेक्जन चाचा लोग की कार। ये भाई लोग यहाँ से अपना घर स्टार्ट पूरा वहाँ तक है जहाँ तक वो गाय खड़ी है, छोटी वाली गाय। तो अभी हम लोग टहलने जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह चले चलते हैं। ये अमन यहाँ पे बैठे हुए हैं साहब घर के अंदर, और आसिफ सर तो फेस रिवील नहीं करते हैं अपना। चलिए चलते हैं, कहाँ आसिफ, चले। ये हमारे आसिफ भाई हैं, ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अपना फेस रिवील नहीं करूँगा बोलते हैं, भारी खुश रहते हैं इधर। और अपन लोग अभी जा रहे हैं सपाटे, सैर सपाटे पे। ये हमारा कुछ क्या बोलना चाहिए, खेत है, ये जो पेड़ है जब हम लोग छोटे थे तो इसमें झूला भी झूला कर। तो दोस्तों जैसे मैं आपको इंट्रो में बताया था, यही वो पहाड़ है, हम लोग आ चुके हैं नज़दीक में। ये कुछ ऐसा पगडंडी बोल सकते हैं, रोड बोल सकते हैं, जो भी है। और ये मस्त हरियाली देख के तो मतलब सुबह सुबह मज़ा ही आ जाता है कुछ। तो यहाँ पे एक ट्रक लगा हुआ है, पता नहीं किसका है। और ये जो चिड़ियों की आवाज़ है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। और इस साइड हम लोग जब जाएंगे ऊपर, तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में मस्जिद वाली रोड है, तो इधर अपन लोग अभी नहीं जा रहे हैं। और ये भाई साहब बरसात बहुत ज़्यादा है, पूरी रोड भी कचकिच है। ये अपने बुआ का घर है, ये बुआ भैया मस्त एकदम ब्रश लेके इधर उधर घूम रहे हैं। दूध, अरे दूध कहाँ से निकाल दिए भैया? अच्छा यहाँ से मस्त, गाय का यहाँ पे घर बना के रखे हुए हैं। ये पहाड़ और नज़दीक से एकदम मस्त, यहाँ छोटा दिख रहा है, ऊपर से मस्ती आता है। अब हम लोग पहुँच गए मेन रोड। ये मेरा भाई अमन, मतलब निक नेम है, असली नाम मौज़म रज़ा है। तो हम लोग मेन रोड पहुँच चुके हैं, कुछ ये हाल हो चुका है रोड का ऐसा, यहाँ पे बीच सड़क का। और ये देख रहे हैं एक रोड इधर, ये जाता है मेरे नानी के घर पर, और ये वाला रोड जो है जाता है गढ़वा जिला। We'll be right back.
भाई लोग, अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। लाइट वाइट गोल है, बहुत देर से हम लोग नहा वहा के बस बोर हो रहे हैं और यहाँ पे बैठे हैं अपन लोग अभी। ये अपना महुआ का पेड़ भारी फेमस, हम लोग के घर के जस्ट सामने है। और यहाँ पे मेरा ये क्या बोलते हैं टाइम लैप्स शूट हो रहा है बादलों का। ये मेरे भाई का फ़ोन है फ़िलहाल, और ये बहुत बेहतरीन सीन। और यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है फ़िलहाल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भुट्टे लगे हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसे मिट्टी वाले घर हैं, पहले हम लोग का भी घर ऐसा ही था लेकिन अभी सही हो गया है। यहाँ बकरी चर रही हैं दोनों, हम ही लोग की। डिनर टाइम हो चुका है आज भी, कल जैसे सेम अंडा रोटी सलाद। और ये क्या है, ये है करेला का भुजिया, और ये दाल, ये पानी, बस बात ख़त्म और ख़त्म कहानी। अपन लोग खाना खा के आ चुके हैं, भाई लोग भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। और हमारे यहाँ फीचर चादर है, हमारे गांव में मस्त वाली चादर। ये इस वाले बेड से लेके वो कौनटा, मतलब दो ठो बेड है वहाँ तक है पूरा। तो इस चादर में खासियत है कि इसमें 6 लोग एक साथ उड़ के सो लेते हैं अपन लोग। कल रात में भी ऐसे ही सोए थे, बताना भूल गया था, ये चीज़ बहुत खास है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ से झाड़ है तो वहाँ तक उछल रही है पूरी चादर मेरी, मतलब घर की। तब हम लोग आ गए हैं सब लोग, अब चल रहे हैं सोने। तो मिलते हैं आप सब ने नेक्स्ट ब्लॉग।